देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अब साफ साफ बताइए कि वो रात आप कहाँ देख ले रहनी। हम तो एक मामूली सा वॉचमैन बनी। वो दिन देर रात के हम अपन ड्यूटी खत्म करके घर वापस लौटत रहनी, ते हम देखनी कि ये आदमी ए मैडम पर गोली चलावत रहन, और ये मैडम खाई में जा गिरनी। हम द्वारा कैसे कुछ ना करे दीप, जैसे अंतरा हर्ट हो जाए। I told you ना, काले रानी ना हम तोरा से के अंतरा और हम एक बानी, प्यार करे लेना हम दोनों, और तोरा से नफरत और प्यार और नफरत के इस जंग में जीत हमेशा प्यार के ही होई। ओके इंस्पेक्टर साहब, हम अंतरा के पता जाना तन। इंस्पेक्टर साहब, अंतरा पकड़ ली एक रख। माँ जी आप भेजा, यह सवाल तो हम तरह से पूछे चाहता नहीं कि तू यहाँ का कर रहा बाड़ू। माँ फ्यूज चल गए रहे। ये सब का बा अंतरा कहाँ भैया, इजे रहे ना वो। आपके जान अच्छा जिंदल ना, बल्कि हॉट हैंडसम हंक पर बचे लेवा। टेढ़ी उंगली सीधा हो सकेला, कुत्ता के दुम सीधा हो सकेला, बाकी पर्व के रास्ता और ओकर इरादा वैसे के वैसे रहेला, बिल्कुल आपके तरह। एक्स सासुमा, आपन जात के खास ख्याल रखीला हम। ऐसे तो आपन कबूतर से खबर मिला थी, उड़त चल यही आपके पास आपके बचाए, वरना आप तो अभी तक वहीं पहुंच के लुकती जहां से निकल रही वापस। अंतरा, अंतरा यहां काहे होई, का हो गए बतारा के गुड्डन। अरे लल्ला, ई घर निवेश के तौर पे हाल ही में खरीद ले बा, और हमरा यहां दिखावे खातिर लेके आयल बा, और तू यहां पुलिस के लेके आ गयलू। बात का बा बोला गुड्डन। एक मिनट गुड्डन जी की ई मानल बा अंतरा ए घर में छिपल बाड़ी, लेकिन आप लोग तो कुछ और ही बोलत हैं। जाहिर बा आप दोनों में से केहू एक झूठ बोल रहा बा। अच्छा, और आप यहाँ बिना कोनो वारंट के हमरा घर में तलाशी लेवे आ गई। लुक, आई एम सॉरी। माफ करम इंस्पेक्टर साहब, शायद हमरा ही कोई गलत फहमी हो गई। जिंदल साहब कभी झूठ नहीं खन बोल सकत। इट्स ओके गुड्डन जी, ये तो अच्छी बात, बाकी अंतरा जैसे खतरनाक क्रिमिनल के पकड़े खातिर आप पुलिस के मदद कर रहता नहीं, लेकिन बिना सबूत के हमने निहत्था बानी। नेक्स्ट टाइम सिर्फ एलिगेशंस के बेसिस पर हमने कोनो एक्शन ना ले पाए, हम चलता नहीं। ऐसन का खेल खेल दिया वो अंतरा आपके साथ कि आप और हद तक होकर मदद करता नहीं। बस इतना समझ लो गुड्डन कि खेल बहुत खतरनाक हुआ, और अंतरा तारा से दूर रहे यही में सबके भलाई हुआ। इतना उछले के बात नहीं खे, तू हमके इतना बड़ बाथरूम में इतना छोट खिड़की से बचे ले हुआ, और अगर तू चूक भी जाते ना तो भी अक्षत हमके बचा लेत, जेकर ऊपर एगो बड़ा सा तलवार ऐसे ऐसे लटक रहल बा, थोड़ा सा झुकल ना तबे ता एक बार कहे पर
वो अपन छोट से क्यूट से लाडली ना गुड्डन के मिस्टेक के सुधार लिया लस और पुलिस वाले के झूठ कहे के पड़ा। ये बात बिल्कुल सही कहनी एक्स सासुमा, यही बात पर चीयर्स हो जाए। एक जाम आपके आजादी के नाम और गुड्डन के बर्बादी के नाम। यस जस्ट चीयर्स। ताकि बताबा पर्व हम इतना 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 खुश बानी ना कि हम चाह के भी बताने की पावत और गुड्डन का नेवर एंडिंग पेन वो दुख का सुकून मिलेला हमके और अक्षत वो चाह के भी कुछ नहीं कर पावत इतना मजबूर बना जस्ट परफेक्ट। कलयुग भी हमने से का करवा रहल बना। अभी तो बस शुरुआत बा एक सासुमा, हम कल रहने ना आपसे, आप और हम दोनों मिल गए नहीं तो अक्षत और गुड्डन के प्रेम कहानी में तूफान ला देहल जाए तूफान। यही से हम तोरा के अपन पार्टनर बने ले बनी। चीयर्स चीयर्स। लेकिन देखा तू ये डिनाई ना कर सकेला तोहरा धोती कुर्ता के वजह से जैसे यू लुकिंग वेरी नाइस एकरा वजह से ये सब ना भइला हमारे दिमाग की वजह से भइला। और जन तू ये जिंदल भवन में ऐसे फाइल कैसे खुशी से ऐसे रह रहल बाड़ा ना वो हमारी ये देना एक भूलिया मत। ऑफ कोर्स एक सासुमा ऑफ कोर्स। देखी आपके और हमरा के एक ही चीज से मतलब बा, इंडिया के यंगेस्ट सास के बर्बादी, उसे इतना बुरी तरीके से गिराए के बाकी जिंदगी भर उठ के खड़ी ना हो पाए, यंग तो बड़ी बाकी फिर भी बुढ़न की तरह जिंदगी भर लड़खड़ात रहे। अब दिमाग आपके हो या हमार का फर्क पड़ेगा, मतलब तो नतीजे से बना। और एक खेल के खत्म होते होते अक्षत और गुड्डन के लव स्टोरी के दी एंड हो जाए। यस। यानी कि बर्बादी हो जाए। घर में खुल खुल कहा बा इतना गुस्सा में तू कहा बिहेव कर रहा बड़ो मैनोनर बाकी ना तोरे लाइफ में और तुके तो का लागत
तोरे घर में सोना चांदी बजन हम चुराई खातिर आए, मतलब कोनो भी चुराई तोरे घर में तोरे रूम में। एक्चुअली ना सोना नहीं खे, लेकिन हीरा बा हमारा अक्षर। बकवास बंद कर, तू ये बताओ कहाँ करे आयल रही हमरा घर में? अपने अक्षर के मिली आयल रानी भाई, एक नजर देखे के रहे बस। बकवास बंद कर अंतरा, जिंदल साहब हमार रहन, हमार बाड़े और हमार रही है, समझ लू। अपनी गंदा जुबान से जिंदल साहब के दोबारा नाम भी मत लिए, लेकिन मरते दम तक अक्षत के जुबान पर हमरे ही नाम रहे। What can you about that? हाँ? तो पुलिस के लेके आयल रहलू ना, हमके पकड़वावल चाहत रहलू ना, लेकिन का भेल? सच्चे सच्चा सच्चा अक्षत ना अपन जान दे दी, लेकिन हमरा पर खरोच भी ना मे दी। बकवास बंद कर अंतरा, तू ना तो ये तोरा के तम जेल पहुंचा के रहो अंतरा। रुक अंतरा, छोड़ ना तोरा के। तू पगला गेल बड़ू का, इतना मुश्किल से प्लान सेट कैले बनी ई? हां अगर सही वक्त पाके हम तो के चेंज ना ऐसा प्लेस ना कर देते ना, तो सब पता चल जाए तो गुड्डन के। अब भूत के जैसे अंधेरा में काय खड़ा बड़ू, बाहर आवा। अरे बाहर आवा, देखा गुड्डन के तुम्हारे बारे में ना पता चल सकेला। ओके ना पता चले जाए कि ओके मारल तू चाहतड़ा, ओकरे लव स्टोरी के देन तू कल चाहतड़ा, ये सब कुछ ना तोरा पर डिपेंड करला। अभी ना बाद में तोरा पे ही डिपेंड करी, समझ में आ रहल बा? अपन मुंडे थैला बा हमके ने के समझ में आता तोरे गेटअप में, समझ में आ रहल बा मुंडे लावा? गुड, अब यहां से जा प्लीज, क्यों देख ली, जा जस्ट गो। एक खेल में ना गुड्डन, दुश्मन तत्व के बहुत सारा मिली है, लेकिन असली की हाँ नकली की हाँ ये तो कब ना पहचान पाई बू? ये पहचानल तो से ना हो पाई गुड्डन। लल्ला गुड्डन, आज नवरात्रि के पहला दिन बा बेटा, दोनों एक साथ मिलके महाआरती से इस शुभ दिन के शुरुआत करा बेटा, ताकि आवे वाला नौ दिन में माता रानी के आशीर्वाद हमनी के परिवार पर बनल रहे और हर बुराई और संकट से माता रानी हमनी के परिवार के रक्षा करी। इला बेटा, आज नवरात्रि के दिन सब अपना सुख समृद्धि और शांति खातिर माँ दुर्गा के पूजा करे ले, लेकिन हमार भगवान तू हवा। यही से हम एको शैतान के पूजा करब, कि गुट्टन के जिंदगी में हमेशा हमेशा खतर दुख अशांति और तबाही हो जाए। शिवे
सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। महिषासुर मर्दिनी है आप, हमारे घर से दुख के छाया हटावे में हमार मदद करी माँ। कोई सन रास्ता दिखाई जना से नवरात्रि के 9 दिन में हम अपना जिंदगी के महिषासुर तक पहुँच के होकर संहार कर सके। आज तोहरा के हमके ताकत देवे की होगी महिषासुर, एगो शैतान होके दूसरे शैतान के मदद करे के होगी कुटन के जिंदगी की बर्बाद करे खातिर, इतना कमजोर बनावे के होगी ओ गुट्टन के कि हम जैसे शैतान के हरावल तो दूर की बात बा कि हमरा तक पहुँचे के ख्याल भी ओकरे जहन में भी ना आवे। मदद करी हमार माँ, हमार परिवार के हमार रिश्ता के बचावे के कोई रास्ता दिखाई। बोलो बोलो अम्बे मात के जय। गुड्डन बेटा, हमार कमरे से जरा चंदन और तुलसी के थाल ले आई है। जी। झुमका अंतरा के नाहत तो फिर एक मतलब कोई और बाजे सारा साजिश के पीछे। इस तरह की झुमका तो घर में कोई ना पहनला, की कर हो सकेला ये? माने षड्यंत्र के सूत्रधार अंतरा ना कोई और है, वो भी जिंदल साहब की तरह काला लिबास वाले के हमरा से छुपावल चाहत किया। चलत का भाई सा की हो सकेला वो? सही सोचत नहीं, कोई इशारा दी माँ। आप अपनी भक्त के रास्ता दिखावे खातिर शुक्रिया माँ। सब समझ गई कि अब हमरा का करे के बा, अब आपके आशीर्वाद से उस शैतान के खात्मा कई हमरा से हो पाई माँ। अच्छा जी बोलो, आज नवरात्र के पहला दिन बा तो हम सोचत रहनी कि गरीबन में जाके खाना बांट आई। जा बांटा हुआ एमे पूछे वाला का बात बा? दरअसल आप तो जाना था नहीं, सबसे बड़ा गरीब तो हम ही बानी, तब बस कुछ पैसा चाहत रहे, लेकिन आप सोची आपके भी पुण्य मिली और सासू माँ के जौन मौत के मुंह से वापस आयल बाड़ी उनके भी ओ गरीबन के दुआ लगी। अरे ये तो बहुत अच्छा बात बा, गरीबन के मदद करे से दिल के तसल्ली मिलेला से अलग, और फिर जे उनकर दुआ लगेला वो अलग। बहुत अच्छा काम करता रहा बेटा। थैंक यू दादी। लल्ला तू पर्व के बिल्कुल ठीक परख ले पड़ा,
ई त सच में बदल गइल बा। शत प्रतिशत दादी जी। माँ पर्व के जितना पैसा चाहिए ओकरा के दे दी। हम काम पे जाता नहीं, हमके लेट हुई। ई पर्व के बर्दाश्त कइल दिन ब दिन मुश्किल हो जात बा हमरा खातिर। तोहर दिमाग खराब हो गए पक्का। तोरा कितना बार समझेले बानी के दिन में घर पे मत आयल करा, वो भी काला कपड़ा पहन के। अगर गुड्डन तोरा के देख ले लियो का तोरा बारे में भड़क भी पड़ गए तब तक पता पक्का हो सकेला। हमार शक और दुर्गा माँ के इशारा दोनों सही निकलल ना जिंदल साहब। कोई तो बाउ जेकरा के आप बचावे की कोशिश करता नहीं, पर के हम अतना तो जान गिल बानी कि छुटकी के शादी और आपके मजबूरी के पीछे काला लिबास वाला ही बा। तब सीधे सीधे हमरा के बताएं कि कौन हो जेकरा के आप बचावे की कोशिश करता नहीं। सच बतावे के समय आ गिल बा। के हो जेकरा के बचावे खातिर आप हमरा से मुंह फेरे तक के तैयार बनी बोली। आई हैव नो आइडिया व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। गुड्डनी का बदतमीजी बा, नीचे उतरा एंड गिव मी माय कीज। आपके हम बेवकूफ लागे नी का कि आप ही नो आइडिया बोल के हर बार की तरह पल्ला झाड़ ले, हम आपके बात मान ले। इना आपके बहुत पुराना तरीका है जिंदल साहब, पर आपकी पुराना आदत ही नया गुड्डन पे काम ना करी। अब या तो आप हमरा के चुपचाप बताएं कि सीधे सीधे बात का बा, वरना हम ना ही गाड़ी से उतरे और ना ही आपके चाबी दे। देख ली आपकी जो करे। अरे सच जाने चाहता रूना, सवाल जोन भी हो के जवाब बस एक ही बा कि हम तहरा से नफरत करेली एंड आई हेट यू। और अब तहरी बचकाना सवाल के जवाब दे के हम अपन टाइम वेस्ट ना करब। काहे कि ई समय हमार अंतरा खातिर बा और ओकरा हम तहरा से का तहरा साए से भी दूर रखे चाहता नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? इजंट इट स्टॉप वेस्टिंग ऑफ माय टाइम। एक ही जवाब बना आपके पास कि सबके पीछे अंतरा बड़ी, वो गलत बा जिंदल साहब। काहे कि हम जानत नहीं कि ई सब के पीछे अंतरा नहीं खे। जुबान पे झूठ और आंख में सच लेके घूमे नहीं आप, और फिर कहे नहीं कि हम आपके बात माने नहीं। आपके इस चेहरा के उड़ल रंग देख के साफ पता चल गए जिंदल साहब कि हमारा तुक्का सही साबित होता। आप अंतरा के ना बल्कि केहू और के बचावे की कोशिश करता नहीं। तो टाइम वेस्ट कर बंद करी जिंदल साहब और सीधा सीधा मुद्दा के बात करी के हो। तू सच जाने चाहता हूं? सच और कुछ ना। तो सुना, सच इबो ची येट नन ऑफ योर बिजनेस। वैसन के है जिंदल साहब, जिकरा के बचावे खाती आप हमनी के रिश्ता तक कुर्बान करे खाती तैयार बनी, पर वो जो भी बा ओकर पर्दा तो हम फाश करके रहम, और वो भी बहुत जल्द। गुड्डन के शक हो गए बा, आज तहार गेटअप लेके हमरा से मिले आयल रही। देखा इसे पहले बड़ प्रॉब्लम हो जाए और बात हद से बाहर निकल जाए। प्लीज सारा सबूत मिटा दा, वो जैकेट, वो मास्क, सब कुछ बर्न इट ऑल सेट। कौनो भी कीमत पे तहरा गुड्डन के सच ना पता के चले के चाहिए। काहे पीछे पड़ल बाड़ू गुड्डन, ई सच ना सह पैबू तू। लागत है जिंदल साहब के आंख लाग चुकल बा।
चल गुड्डन, आज अपना काम के अंजाम दे ही दे। तहरा प्लान के नाकाम करे खातिर हमके आपन प्लान बनावे के पड़ल। तहार पानी में नींद के गोली बनावे के पड़ल, चाहे कितना बड़ कीमत काहे ना चुकावे के पड़े, लेकिन तहरा के ऊ काला लिबास वाला इंसान के पास हम ना पहुंचे दे सके ली गुड्डन। आई एम सॉरी। पे आवे की चाहिए ना, ताकि पता पर कितना बड़ा रिस्क बा। गुड्डन के शक हो चुकल भाई, ये रुमाल ही ये जैकेट सब निकला फटाफट। हारिया 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 तक पहुंचे के आखिरी सबूत अब धुआं हो जाए। अब देखा तनी वो बेचारी गुट्टन से का हो पाई। हमरा के सच तक पहुंचे से जरूर रोकब, लेकिन आपकी कोशिश इस बार फिर फिसल गई जिंदल साहब। पूरा सच कैमरा पे रिकॉर्ड होता जंगल साहब, पल पल के सच, और इस सच के सामने लावे की जिम्मेदारी हम माँ के सौंपले बनी। उनका कदमों पर बिछल फूल के बीच हम हिडन कैमरा लगौले बने। अब की बार सच बाहर आके रही जंगल साहब। काल के दिन गुड्डन अपनी असली दुश्मन के चेहरा भी देखे और ओकर खात्मा कैद भी हमरा से बखूबी हो पाई। जिंदल साहब, जान दुश्मन के ढूंढे खातिर वो दर दर भटक रहल भी है ना, ओके नहीं पता कि ओकर नाम तो जानल दूर, ओकर एक गुच्छा लग भी ओ गुड्डन के नसीब ना होखी। ए जैकेट के साथ तोहरे तक आवे का आखिरी जरिया भी अब खत्म हो गेल बा। गुड्डन हमरा तक कबो ना पहुंच पाई, वो तो सपना में भी ना सोच सकेली कि हम रेवती ओकर सौतेली बहन की कहानी के सूत्रधार बानी। ई आग के लपटन के तरह गुड्डन हमरा ना जाने ली, ओकर जिंदगी जल के भस्म हो जाई। एक वक्त रहे जब हम ओकरा अपन बहन मानत रहनी, लेकिन अब ऊ वक्त चल गइल बा, और अब वक्त बा रिश्तेदारी के नहीं खे बदला के। और हमार दिल के आग तब बुझी जब वो गुड्डन से प्यार परिवार सब कुछ छीन ले हब, हम एक एक चीज छीन ले हब। हमरा बर्बाद करके खुद आबाद कैसे रह सकेली हूँ, भुगते के तो उकरा पड़ी ही। शांत गदाधारी भीम, शांत प्रीत, देखा तो आके पूरा मौका मिली। ओके हमने उतने का रिश्ता ऑलरेडी खराब कर चुकल बानी के ना, अब टेंशन मत ले। अगला जो नंबर बना वो गुड्डन के ही है, और अक्षत को देखा हमने जसन कहने को ऐसा नहीं करेला है ना।
तकलीफ या सुखा है बाहर हाल बाड़ो ये तकलीफ ये दर्द ये सब कुछ गुड्डन के दाना देख ये जॉन भी हो रहा हलवा ना गुड्डन की वजह से हो रहा हलवा ओहो देख भगवान तो हसे गो बहन छिलने वाना ना लेकिन देखा भगवान के अतना कृपा बा कि तेरे पास एक दूसर बहन आ गेल बा हम बानी ना हम तो हर ख्याल रखब ओके नफरत बा हमरा ही शब्द से बहन सारा जिंदगी छोटी बहन करके बेवकूफ बनावत रहली और जब बड़ी बहन के फर्ज निभावे के बारी आयल तो का दिखा दे ली वो अपन हाँ इस शब्द से ना हमरा दर्द हो खेला और अब हमनी के सिर्फ एक रिश्ता बा नफरत के I understand. हम वेल बिचारा ही तुहार और तुहारा के पूरा मौका दे ठीक बा बदला ले विके लेकिन तू प्लीज पीछे मत हटिया तब ओके देखा इस सब तो होके थी ना अगर गुड्डन वो वक्त मर गए हो कितना कितना ढीठ पिया मतलब खाई से गिरल पड़ल बा गोली लागल मरल ना ओकरा खातिर एक मौत काफी नहीं खे ओकरा तो हम हजार मौत दे हब पल पल मरियो लेकिन फिर भी ना ओकरा के जवाब ना मिली उकरा के कबो बताना चली कि उ दिन रात में का भइल और काहे भइल उ हर पल इधर उधर भटकत रही अपन पति के नफरत के आग में चली मौत खातिर ना भीख मांगी उ और तब हम अपन आखिरी चाल चला दोनों बहन के कैसे लड़ाई ना एक्चुअली ना इजन मॉडर्न महाभारत बना ओकर असली सूत्रधार तो हम है ना अबे दोनों बहन के महाभारत में हार क्यों के भी होके जीत तो हमरे ही होकी जला देलू सारा सबूत याद रहे दोबारा ऐसी गलती ना होके के चाहिए गुड्डन के भनक तक ना होके के चाहिए कि काला लिबास के पीछे तहार चेहरा बा भनक तो ओकरा ई चीज के भी ना लगे के चाहिए कि आपके नफरत सिर्फ एगो दिखावा बा जैसन कहले बानी जब तक आप ऐसन करत रहब गुड्डन सेफ रही और अगर ओकर खून के आंसू में एक भी कतरा के कमी भइल ना जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकल बाड़ू तू रेवती पर ई कबो मत भूलिया कि तू आयल कहां से बाड़ू जौन गुड्डन के तू दी बोलत थकत ना रहलू आज ऊ तोहरा खातिर गुड्डन बन चुकल बाड़ी जौना राह पे तू निकल चुकल बाड़ू ना वहां से वापस आयल बहुत मुश्किल हो जाई रेवती अभी भी वक्त बा तोहरा पास रेवती वापस आ जा वापस आवल भी के चाहे लजीजू और गिरेली तो गुड्डन ही ना तो संभले के तो बात ही पैदा ना हो खेला और ऊ जे हमरा साथ कैले बड़ी ना उस सिर्फ हम जानतानी और ऊ हमार कोनो बहन बहन नहीं खी ऊ हमार एगो अपराधी बड़ी हम तब तक ना रुकब जब तक या तो हमार बदला पूरा ना हो खेला या तो फिर ओकर सीना से आखिरी सांस ना निकल जाला रेवती गुस्सा महसूस कर सके नी आप जीजू बाकी ओपे अमल ना कर सके नी और आपके ये जे बचल कुचल प्यार बाना गुड्डन के बचाना पाई हमार प्यार के तू अपन नफरत में ना ही तौला तो अच्छा होई रेवती आई टोल्ड यू तारा जौन करे के बाद तू करल पर गुड्डन के कुछो ना होखे के चाहिए लेकिन हमरा मना करे के बावजूद तू ओकरा पे ऊ रात हमला कैलू का तमाशा भाई हाउ डेयर यू हमरा मना करे के बावजूद तू गुड्डन पे हमला कैलू तहार दिमाग खराब हो गेल बाका कैसे ना करती आज पुलिस घर तक आ गेल रली कल कुछ गड़बड़ हो गेल ता ओकरा तब मरे के ही होई नाउ यू लिसन टू वेरी केयरफुल रेवती
गुड्डन के कुछ ना होके के चाहिए तो जॉन कहबू जैसन कहबू हम करब बट गुड्डन हैज टू बी सेफ एम आई क्लियर और अगर ये बात तू रात समझ गई हो तू तो गुड्डन के कबूतर पे शक ना हो रेवती वी हैड अ डील और तोहरा वो डील के रिस्पेक्ट करे के पड़ी गुड्डन सही सलामत वापस आ चुकल बाड़ी और तू ओकरा से दूर रहबू राइट रिलैक्स जीजू आप बहुत ज्यादा टेंशन ले बिनी अरे वो गुड्डन के मारे के हो कितना तक आपके मार चुकल रहती हाँ हाँ वो दिन थोड़ा गुस्सा पे कंट्रोल ना रहल लेकिन आप बानी ना आपके नफरत ना ओकरा पल पल मारत रही और बस उतना काफी पा हम रखा थे जब तक वो झेल सकेली वो झेली ना तो अपन जान खो दे देती शट अप हम गुड्डन के कुछ ना होके दे बोके लगता आप वो पहाड़ी वाली बात के भूल गए बानी याद बा वो रात पहाड़ी पे जौन भइल रहे वो हमके अच्छा तरह से याद बा आई होप तोहरा भी वो रात के सच्चाई याद हुई अरे ऑफ कोर्स जाना था नहीं हम कैसे भूल सके नहीं लेकिन पॉइंट ई बा कि गुड्डन के ना पता और ओकरा पता भी ना चले के चाही ओकरा सिर्फ आपके नफरत पता चले के चाही गुड्डन हमार नफरत पे विश्वास ना करेली रेवती और तोहरा लागेला कि तू हमारी ई नफरत के इस्तेमाल करके ओकरा चोट पहुंचा सकेलू तो तू बहुत बड़ गलती करा था तब त ना जीजू आपके नफरत में कोनो कमी रह गई सच बोला तनी आप ना दिल से नफरत करी शिद्दत से नफरत करी जरूर यकीन हो ओकरा के और हमरा के ना आपके नाकामयाबी से कोनो मतलब नहीं खे हमरा सिर्फ अपन मकसद से मतलब बा और अगर आपके दिल में ही छुपल प्यार हमार मकसद के बीच में आए ना तो आप भी जानता नहीं हम का कर सके नहीं सारा सबूत मिटा देले बानी हम सिर्फ लेकिन एक खंजर अभी भी हमरा पासे बा अगर ओकर दर्द में जरा से भी कमी रही ना जीजू तो एक खंजर हम ओकर दिल में गाड़ के भरपाई करा गुड्डन के कुछ ना होके दे बाम फॉरगेट्स ना कितना देर हो गई कहीं के वो मंदिर में छुपल कैमरा अगर क्यों देख ले हुई था आज आपके आशीर्वाद से हमरा हर सवाल के जवाब मिल जाए माँ एकाबादी माफ कर दे छुटकी हम तोरा के सच तो बतावल चाहत रही बस सही मौका के इंतजार करत रही कैसन सच दी ई मेमोरी कार्ड के साथ छुटकी अब ओकर सच सामने आके ही रही छुटकी ये आप का कर रलवानी दी इस सब इस सच ना हो सकेला हमार बात मानी इस सब के पीछे ना हो अंतरा ही बाड़ी ना छुटकी इस सब के पीछे जे भी हो के पर अंतरा तो बिल्कुल भी नहीं के पता बा छुटकी अंतरा की एगो खासियत है कि वो हमेशा सामने से बात करे ना पीछे से ना और ये जे भी है ना छुटकी ओकर सच तो अब हम पता लगा के ही रहम ई काला लिबास वाला इंसान ना छुटकी हमार जिंदगी के आधार बदल के रख देलस
एक बार हमरा हाथ लग गई ना तो ऐसा सबक सिखाई कि अपन शक्ल केहू के दिखावे लायक ना बाची। जॉन जिंदल साहब हमरा से प्यार के इजहार करत ना थकत रहन, आज वो हमरा शक्ल की तरफ देखत भी नहीं सिर्फ ओकरा वजह से। मेमोरी कार्ड में वो काला लिबास वाला इंसान की तस्वीर छप चुकल बा छुटकी।